ठीक है। वर्ब का उर्दू में माना क्या है? फेल। डेफिनेशन वर्ब फेल। डेफिनेशन क्या है वर्ब का? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फेल वो लफ्ज है जो किसी जुमले में फाइल के अमल की हरकत या मौजूदगी को जाहिर करे। फेल वर्ब अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फेल वो लफ्ज है जो किसी जुमले में फाइल के अमल के हरकत या मौजूदगी को जाहिर करे। वैसे फेल से कहते हैं काम, ठीक है, आमतौर पर, यानी कि फेल काम जुमले के अंदर कोई किसी भी काम को जाहिर करे, यानी कि फेल फाइल के अमल की हरकत, फाइल जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के अमल की हरकत या मौजूदगी को जाहिर करे। She is cooking food. वो खाना पका रही है। She is cooking food. वो खाना पका रही है। यहाँ पर वर्ब क्या है? Cooking, पकाना, काम है। ठीक है? यहाँ पर किसका अमल दिखा रहे हैं? She का, सब्जेक्ट का। She is cooking food. यहाँ पर cooking वर्ब है। They are reciting the Holy Quran. वो अपने किताब की तिलावत कर रहे हैं। यहाँ पर वर्ब क्या है? Reciting वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर he was a student, वो एक तालिब इल्म था। यहाँ पर कोई काम है जुमले के अंदर? he was a student, यहाँ पर कोई वर्ब है? अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। यहाँ पर कोई वर्ब है, कोई काम है इसमें? नहीं है। लेकिन इसका माना क्या है? he was a student, वो एक तालिब इल्म था। अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। यहाँ पर वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन हमने इसका तारीफ क्या पढ़ा था? फेल वो लफ्ज है जो किसी जुमले में फाइल के अमल की हरकत, यहाँ पर फाइल का हरकत कुछ भी नहीं है, कोई हरकत है, कोई काम कर रहा है फाइल? ही वाज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिबे इल्म था। यहाँ पर ही कोई काम नहीं कर रहा है। अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन इसका अगला हिस्सा हमने क्या पढ़ा था? अमल फाइल के अमल के हरकत या मौजूदगी को जाहिर करे। यहाँ पर मौजूदगी को जाहिर करता है। ही वाज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिबे इल्म था। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वाज़, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। यहाँ पर वर्ब क्या है? इस वर्ब का काम कर रहा है, मौजूदगी को जाहिर करता है। अहमद एक डॉक्टर है। ही वाज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिबे इल्म था। फाइल का काम नहीं है तो फाइल का मौजूदगी जाहिर कर रहे। फाइल के काम की हरकत नहीं है लेकिन फाइल का मौजूदगी बयान कर रहे। ही वाज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिबे इल्म था। अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। ये अभी है और ये था माजी का बता रहे, ठीक है। ये वो वर्ब डेफिनेशन। There are three kinds of verb. Verb की तीन किस्में हैं। कितनी किस्में हैं verb की? तीन। Number एक transitive verb, फेले मुतादी। Transitive verb इसको उर्दू में कहते हैं फेले मुतादी। ऐसे फेल जिसको object की जरूरत हो, object यानी कि मफूल जिस पर काम किया जाए। ट्रांजिटिव वर्ब पहले बता दी, ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, पहले बता दी कहलाता है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एग्जांपल बेइंग ऑफर प्ले लाइक, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ही इज ऑफरिंग प्रेयर, वो नमाज पढ़ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेयर। वर्ब ऑफरिंग वर्ब है, वर्ब के बाद प्रेयर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो वर्ब वो फेल जिसके लिए मफूल का होना लाजमी है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आ जाए, ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नंबर दो इंट्रांजिटिव वर्ब, फेल लाजम।
अवरत does not request an object to cease the action. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो इंट्रोजेक्टिव वर्ब जिसे फेल लाजम कहलाता है. एग्जांपल लाफ टीच ही इज लाफिंग वो हंस रहा है. इसमें ऑब्जेक्ट है मफूल है इसमें ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं हो रहा है. ही इज लाफिंग वो हंस रहा है. जहां पर ही इज प्रेइंग ही इज ऑफरिंग प्रेयर वो नमाज पढ़ रहा है. तो यहाँ पर काम किस पर हो रहा है नमाज काम है. He is writing a letter. इस तरह के लिए he is writing a letter. वो एक खत लिखता है. तो यहाँ पर काम किसके ऊपर हो रहा है खत के ऊपर काम हो रहा है. खत ऑब्जेक्ट है यानी इसमें ऑब्जेक्ट है. ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो. वर्ब राइटिंग वर्ब है लेकिन लेटर ऑब्जेक्ट है. लेटर खत के ऊपर काम हो रहा है. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि फेल बता दी गई है. एग्जांपल ही इज राइटिंग अ लेटर वो एक खत लिखता है. यहाँ पर वर्ब क्या है राइटिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है किसके ऊपर काम हो रहा है लेटर के ऊपर काम हो रहा है. लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. नंबर दो इंट्रांजिटिव वर्ब पहले लाजम ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो अवरत दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन. वैसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. एग्जांपल ही इज लाफिंग वो हंस रहा है. आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग एक ही है इसमें कोई ऑब्जेक्ट है आई एम टीचिंग यहाँ पर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है सिर्फ वर्ब पर जुमला खत्म होता है. तो ये कौन सा वर्ब है टीचिंग लाफिंग ये कौन से वर्ब है इंट्रोजेक्टिव वर्ब फेल लाजम को कहा जाए. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट यानी मफूल की जरूरत ना हो. ऐसे फेल जिसको मफूल की जरूरत ना हो इंट्रोजेक्टिव वर्ब. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. नंबर तीन एक्सिलरी वर्ब इसको एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस. ऐसे फेल जो किसी जमाने का तायुन करें मद्दिया फेल कहलाते हैं. ऐसे फेल जो किसी जमाने का तायुन करें मद्दिया फेल कहलाते हैं. क्योंकि दो वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस जमाने का तायुन. वैसे फिर जो किसी जमाने का तायुन करे मध्य फेल कहलाते हैं. बी बी में आता है इज और एम वाज वर बिन. इज यानी कि है आर है एम हूं वाज था वर थे ठीक है. तो ये सारे बी में आते हैं एस लेने वाले में. डू डू में डू डज डिड ये सारे आते हैं डू में. हैव हैव हैज एंड हैड will shall and will ठीक है. ये कौन से वर्ब है एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐसे फेल जो उसी जमाने का तायुन करें मद्दिया फेल कहलाते हैं. दो वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस ठीक है. उसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी वर्ब की किस्में पहला वर्ब वर्ब की कितने किस्में हुए थ्री तीन किस्में. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब की तीन किस्में ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब. अब एक्सिलरी वर्ब भी एक्सिलरी वर्ब के भी दो किस्में. एक्सिलरी वर्ब की कितने किस्में हैं दो किस्में हैं. एक होता है प्रिंसिपल वर्ब दूसरा मॉडल वर्ब. एक्सिलरी वर्ब की कितने किस्में हैं दो. इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ये दो किस्म के होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल वर्ब दूसरा मॉडल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब ऐसे फेल जो जमाने के अंदर दूसरे फेलों की मदद करे. ऐसे फेल जो जमाने के अंदर दूसरे फेलों की मदद करें और खुद बतौर मेन वर्ब का
लगातार हरकत है। ऐसे फेर जो जमाने के अंदर दूसरे फेरों की मदद करें और खुद बतौरे लेकिन बहन वालों का किरदार अदा करें। कौन से वर्ब करेंगे? प्रिंसिपल वर्ब चलेंगे। एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसमें दूसरा कोई वर्ब है? कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर जो एम है, ये एम खुद मेन वर्ब का किरदार अदा कर रहा है। एम किसी का किरदार अदा कर रहा है? मेन वर्ब का। एम यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, ठीक है। उसके लिए आई एम रीडिंग लेसन, में सबक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर रीडिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब का किरदार अदा कर रहा है और एम हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। समझ आ रहा है? प्रिंसिपल वर्ब ऐसे फेल के जमाने के अंदर दूसरे फेलों की मदद करें और खुद बतौरे मेन वर्ब का किरदार अदा करें। एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिब हूं। यहां पर कोई वर्ब नहीं है तो एम मेन वर्ब का काम करें। दूसरा, आई एम रीडिंग लेसन, मैं सबक पढ़ रहा हूं। यहां पर वर्ब क्या है? रीडिंग वर्ब मौजूद है तो ये मेन वर्ब रीडिंग है और एम चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। कोई मेन वर्ब नहीं है तो वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम देंगे। अगर वर्ब मौजूद है तो ये इज आर एम वाज वर डू डिड डज हैज हैव हैड एंड शैल विल। अगर कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब का किरदार अदा करेंगे। अगर वहां पर वर्ब मौजूद है तो ये हेल्पिंग वर्ब का किरदार अदा करेंगे, ठीक है। अब मॉडल वर्ब ऐसे फेल जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, उनका काम होता है सिर्फ मध्य फेल। एग्जाम्पल, विल, शैल, वुड, कैन, मस्ट, एटीसी वगैरह वगैरह। ये वो वर्ब है ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। विल, शैल, वुड, कैन, मस्ट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ये मेन वर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। ये कौन से वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली हालत का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, अली विल कम, अली आएगा, ठीक है। ये जो विल है यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद वर्ब मौजूद है। आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है। दे वुड शिफ्ट, यहाँ पर वुड हेल्पिंग वर्ब का काम अदा कर रहा है, ठीक है। वर्ब फेल, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। फेल वो लफ्ज है जो किसी जुमले में फाइल के अमल, हरकत या मौजूदगी को जाहिर करे। एग्जांपल, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। यहाँ पर कुकिंग वर्ब मौजूद है। दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। यहाँ पर रिसाइटिंग वर्ब है, काम है, हरकत जाहिर कर रहा है फाइल का। उसके बाद ये बात है स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म था। ही वाज अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म था। यहाँ पर कोई काम नहीं है लेकिन फाइल के मौजूदगी को जाहिर करता है। फाइल ही यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये ही का मौजूदगी वजूद बयान कर रहा है। अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक तालिब इल्म है। यहाँ पर अहमद का वजूद बयान कर रहा है, इस यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ऐसे समझो, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब के बिना कोई जुमला बनना इम्पॉसिबल है। जिस तरह वावल के बिना कोई लफ्ज नहीं बन सकता, इस तरह वर्ब के बिना कोई भी जुमला नहीं बन सकता। क्योंकि वर्ब फेल ही वो लफ्ज है जो किसी जुमले में फाइल का अमल, हरकत या उसका वजूद यानी कि मौजूद की को जाहिर करता है। अगर जुमले के अंदर फाइल का अमल नहीं है, हरकत नहीं है, तो उसका मौजूद भी जरूर होगा, उसका वजूद जरूर होगा। There are three kinds of verb. Number one, transitive verb, पहले बता दी। ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, transitive verb कहलाता है। A verb that requires an object to receive the action. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, transitive verb कहलाता है। Intransitive verb, a verb that does not require an object to receive the action. ऐसे फेल जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत
ना हो इंपेरेटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दो वर्ब हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, ऐसे फेल जो कि जमाने का तायुन करे मध्य फेल कहलाते हैं। मध्य फेल में बी इज आर एम वाज वर एंड बिन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगे और मेन वर्ब का भी काम करेंगे। अगर कहीं पर मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करता है। काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब, नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब, ऐसे फेल जो जमाने के अंदर दूसरे फेलों की मदद करें और खुद बतौर मेन वर्ब का किरदार अदा करें। एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूं, यहां पर एम मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई एम रीडिंग अ लेसन, यहां पर मेन वर्ब रीडिंग मौजूद है तो एम हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 2 वर्डल वर्ब, ऐसे फेल जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करें, एग्जांपल विल, शैल, वुड, कैन, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, ये मेन वर्ब नहीं हो सकते। ये बाकी सब मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं लेकिन ये नीचे वाले सारे मेन वर्ब का काम नहीं देंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। एग्जांपल, अली विल कम, अली आएगा, यहाँ पर विल के बाद दूसरा वर्ब मौजूद है। आई कैन डू दिस, कैन के बाद डू यहाँ पर वर्ब है। दे वुड सिट, सिट माने बैठना, वुड के बाद सिट मौजूद है। ये हुआ वर्ब की काइंड, उसके बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्ब की हालतें, कंजुगेशन ऑफ वर्ब, वर्ब की वरदानें, ये कल पढ़ेंगे।